विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक चंद ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि देश भर में आयोजित लोकसभा के चुनाव राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित सबका साथ सबका विकास जैसे मुद्दे पर लड़ा गया है, जिसके कारण परिणाम सार्थक रहे हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद अपनी पूरी भूमिका भी अदा करेगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक चंद ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि देश भर में आयोजित लोकसभा के चुनाव राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित सबका साथ सबका विकास जैसे मुद्दों पर लड़ा गया, जिसका परिणाम सार्थक रहा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद अपनी पूरी भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा के शुरुआती वर्षों में ही वायदों को अमलीजामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की, तो साथ ही धारा 370 को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित अन्य विरोधियों के बयानों को चुनाव के दौरान राजनीति से प्रेरित होने के आरोप तक लगाए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन सभी मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और देश की जनता का जो समर्थन उन्हें मिला है उस पर वे खरा उतरेंगे। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा गया, सबका साथ सबका विकास इस मुद्दे पर लड़ा गया, और इसलिए ये मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में हुई विजय संतोषजनक है। 19-20 जून को धर्म संसद बुलाई है। धर्म संसद बाकी मुद्दों के साथ राम जन्मभूमि के मंदिर, इस पर भी विचार करेगी, आगामी कदम तय करेगी और नई सरकार को उसके कार्यकाल के पहले साल से हम इस मुद्दे का स्मरण कराएंगे। कश्मीर घाटी के और भारत के लोगों के बीच में एकात्म भाव नहीं बनता, विलय का भाव नहीं बनता, उसमें 370 बाधा है। हम सरकार की ओर देखेंगे कि वह 370 हटाने का अपना वायदा पूरा करे, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं वो चुनाव के वातावरण में अपने इलेक्टोरेट के लिए दे रहे थे। उन धमकियों से दबने डरने की बात नहीं, पूरा भारत समर्थन करेगा, पूरा भारत सम्मान करेगा अगर सरकार 370 हटाने का संकल्प पूरा करती है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।